तो जैसा कि आपने हमारे मालदीव्स के पहले वीडियो में देखा कि हम लोग यहाँ दिल्ली से निकलकर सारी टूरिज्म गाइडलाइंस फॉलो करते हुए पहुँच गए थे मालदीव्स के अपने अमेजिंग रिसॉर्ट्स कोको बोडो ही थी। अब देखते हैं आगे आगे आगे। From here, if you go straight forward and then turn to the right, we will go to the main public pool. Okay. Main bar is called Latitude. And wow! Awesome! My. Oops. Hi. 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 Any more to the housekeeping? So once you go for breakfast in the morning, you need to leave it outside the door. There is a small spot for it. तो हम लोग अब अपने सुपर डुपर लग्जूरियस आइलैंड विला में पहुंच चुके हैं और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि यहाँ पर उस आइलैंड विला में जिस भी कॉच में हमें मिला है, कॉच में आपको बारे में बताऊंगा, पर जिस कॉच में हमें मिला है उसमें हमें क्या 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 मिला है ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अमेजिंग है। चलिए देखना शुरू करते हैं उस विला में है क्या क्या। पहले विला के एंट्रेंस पर ही सीढ़ी है, यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये आपको मालदीव के तमाम रिसॉर्ट में मिल जाएगा। इसलिए इसमें ऐसे पानी लेके आपको अपने पैर धोने होते हैं, क्योंकि अगर पैर पर मिट्टी लगी हो तो वो आप धो के ही अंदर जाओ। फिर ये सीढ़ी है, रूम नंबर है हमारा 316। ये है गेट, ये है कॉम्प्लीमेंट्री अम्ब्रेला 4, फायर एक्सटिंग्विशर। ये है हमारे विला का दरवाज़ा, नॉक नॉक। ये है हमारी बीवी। तो घुसते ही बस हो गया। तो विला में घुसते ही आपको मिलता है सबसे पहले ये बाथ टब। और ये बाथ टब एक ऐसी जगह है, सेंटर पॉइंट रूम का। इस बाथ टब से लेफ्ट राइट आगे पीछे चार चीज़ें हैं। तो इस बाथ टब से इस तरफ से मैंने करी है एंट्री। इस बाथ टब के उस साइड है ये हमारा वॉशरूम एरिया, यहाँ पर 2 वॉश बेसिन्स हैं। और ये है टॉयलेट, उसके बाद नहाने के लिए एक ये है हमारे पास शावर वगैरह है, बाकी ये सब भी हमें मिला हुआ है। शैम्पू कंडीशनर जेल वगैरह ये देखिए, मतलब ये जो टब है इसके इस तरफ ये पूरा सोफा है। कोई आया, डू यू हैव वन मोर? ओके थैंक्स। तो ये अडाप्टर है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया वाला अडाप्टर, इंडिया वाला सॉकेट नहीं है, तो ये अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप लेके आते हो अपना, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये लोग देंगे। यहाँ पर देखिए ये टॉवल्स हैं बाथ टब के बगल में, ये पूरा सोफे वाला एरिया है, ये हमारा लैम्प है, ये एक कबर्ड है जिसमें आपको लॉन्ड्री बैग मिल जाएगा, ये वाली इमरजेंसी लाइफ वेस्ट है और तमाम एरिया है सामान रखने के लिए। और केवल यही, केवल एक ही ड्रॉर नहीं है, एक ड्रॉर ये भी है। इस ड्रॉर में आपको मिलेंगे बाथरोब्स, हिट मिलेगा, ऑल आउट मिलेगा, ये मिलेगा हेयर ड्रायर मिलेगा और तमाम एरिया यहाँ भी आपको मिलेगा। ये टेबल है कुछ काम वाम करना हो, जो कि कोई नहीं करने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं सोफ़े वाले एरिया के पास। सोफ़े वाले एरिया में ये सोफ़ा है, क्योंकि हम लोग 4 लोग इस रूम में रुक रहे हैं, तो एक बेड यहाँ पर है और एक बेड और, ये वाली टेबल हटा के एक बेड और लगेगा। ये तमाम एरिया है, ये टीवी है और बेहतरीन चीज़ ये है कि ये जो है, ये आइटम जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ग्लासेस हैं, तामझाम ये है। ये दरवाज़ा है, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो एंट्री होती है मेरे बीच साइड में। तो पहले तो ये टेबल एंड चेयर हैं, ये सन बेड्स हैं, एक बेड ये है। उसके बाद जब मैं उस तरफ जाता हूँ तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जो कि है ये एक तो 2 सनबेड पड़े हुए हैं, उसके बाद है हमारा प्राइवेट बीच। ये रहा हमारा प्राइवेट बीच, मतलब क्या ही लोगे इतने पैसे में। ये वाटर विलास हैं, ये हमारा प्राइवेट बीच, अमेजिंग। अब हम वापस जाते हैं अपने विला की तरफ, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब चलते हैं, ये जो टब था इसके इस तरफ चलते हैं। ये सारा तो है ही सजावटें,
चॉकलेट्स खाओगे? एक मिनट, और हाँ ये वॉश, ये वॉश बेसिन वाले एरिया के पास ये सब कोको की ब्रांडिंग वाली तमाम चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये है इसकी की, ये क्या दिया है? ओके, ये सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर मास्क, चारों के लिए सैनिटाइजर मास्क दिया है। और ये है मरहबा, मतलब कि वेलकम। ये है हमारा डबल बेड, और फिर एक आती है बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो कि आपको बेड से ही, बेड की तरफ से ही दिखाता हूँ, ये वाला गेट। अब इस गेट के उस तरफ क्या है इसको देखते हैं। ये रहा हमारा प्राइवेट पूल जो कि बहुत 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 ज़बरदस्त है। और अभी हम लोग बंद कर, बंद इसको बंद करो, अभी हम लोग इसमें कूदने वाले हैं बहुत जल्दी। क्यों भाई? और ये एकदम लिटरली आइलैंड के जंगल के अंदर है हमारा विला। हाँ, तो फीलिंग इतनी नेचुरल है, इतनी ऑसम है। आप स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो, सारा वुडन, और ये जो पहले एंशियंट टाइम पे जो मतलब इतना हर चीज़ में ध्यान दिया। फिर ये हमारे पास ये चेयर्स हैं ही पूल के साइड में, और एक वहाँ पर भी बेड है जो कि वाटरप्रूफ लग रहा है, और एक वहाँ पर अगर आप देखो तो वो शावर है, तो आप यहाँ पूल से नहा के अपना वहाँ शावर में जाके भी नहा सकते हो, मतलब नहाते ही रहो बस। तो ये था हमारा आइलैंड विला। और अगर आप लोग भी इस रिसॉर्ट को बुक करने का सोचते हो, और ऑब्वियसली आप लोग भी जब जाओगे रिसॉर्ट बुक करने का सोचोगे तो पहले आप जाओगे रिव्यूज़ पढ़ोगे, तो रिव्यूज़ में मैं भी ये पढ़ के आया था, मतलब मैंने बुक तो कर लिया था बट रिव्यूज़ में पढ़ा था कि कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर एसी जो है वो अच्छा नहीं है, ठंडा बिल्कुल नहीं करता है। तो मैं आपको अभी बता दूँ, लेटेस्ट अपडेट ये है, अब ये लेटेस्ट अपडेट है या हमेशा से ही ऐसा था? यहाँ पर दो वेंट दिए हुए हैं, सेपरेट वेंट, दो कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा है कि हमें एसी बंद करना पड़ रहा है। और अभी हम लोग लिटरली एकदम तगड़ी धूप से आ रहे हैं, 40 मिनट की स्पीड बोट लेके धूप में, तो ऐसी कोई भी यहाँ इशू नहीं है। तो हम लोग जो है रूम में तो सेट हो चुके हैं, तो लड़कियों को वहीं रूम में छोड़ दिया, थोड़ा बहुत और सामान सेट कर रही हैं। अब हम दोनों लोग निकले हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे स्नॉर्कलिंग गियर्स और जो लाइफ जैकेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बस ये है कि हमें जाके पिक करना है वाटर एक्टिविटी सेंटर से। ये यहाँ का वाटर एक्टिविटी एरिया है, अगर आपको स्कूबा या स्नॉर्कलिंग या कुछ भी करना है एक्टिविटी, तो यहाँ से ही सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रक्टर और जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो सब यहीं से आपको पता चलेंगे। बट अभी स्नॉर्कलिंग गियर्स भी मिल ही गए हैं, और हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि शायद हम स्कूबा डाइविंग नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूबा डाइविंग मेरे ख्याल से यहाँ के खुद के लोग ही कह रहे हैं कि अगर आप नॉन स्विमर्स हो तो बेटर है कि स्कूबा अवॉइड करो। बट हम लोग स्नॉर्कलिंग वाला जो ट्रिप है वो कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग प्लस सैंड बैंक। देख रहा है इसको, शैंपेन खोलनी भी नहीं आती इसे, इतना शरीफ लड़का है, हम लोगों के लिए खोल रहा है फिलहाल। तो हिलाओ फिर, और नहीं तो क्या, कौन सा अपना घर है। नहीं 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 थोड़ी बस निकली, कुछ नहीं हुआ यार इसको, नहीं वो तो अब निकलेगा ना, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, दांत से कर लो। गोली चल गई धाएं। Cheers! Cheers to Maldives! Three keys are changed to the other side. आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि अगर आप जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट हम लोग लेके आए थे तो उसमें सबसे कम कॉस्ट होती है, क्योंकि आपका बेड होता है, मतलब रूम होता है और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, तो उसमें कम कॉस्ट आपको मिल जाती है। बट आप उसको यहाँ आके अपग्रेड करा सकते हो, तो अपग्रेड के जो कॉस्ट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि $75 अगर आप देते हो पर हेड फॉर पर नाइट,
तो आपका जो बेड एंड ब्रेकफास्ट है वो अपग्रेड हो जाता है हाफ बोर्ड में। तो अब हाफ बोर्ड क्या होता है, हाफ बोर्ड में आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर होता है, और उसके बाद फिर शायद आप $100 अगर दोगे तो आपका फुल बोर्ड में अपग्रेड होता है। फुल बोर्ड का मतलब है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके बाद शायद $130 या $150 है पर हेड पर नाइट। अगर आप इतना पे करते हो तो वो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो अपग्रेड हो जाता है ऑल इंक्लूसिव में। ऑल इंक्लूसिव का मतलब है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड दारू। तो दारू भी ऐसे नहीं कि सारी दारू फ्री हो जाएगी, कुछ सिलेक्टेड दारू होती है वो अनलिमिटेड अमाउंट आपके लिए फ्री हो जाता है। तो हम लोगों ने जब आए यहाँ पर, मैंने एक्चुअली पिछले कई हफ्तों से मैं इन लोगों से इंटरनेट पर, मतलब इंटरनेट सॉरी जीमेल पर बात कर रहा था इन लोगों से। तो जीमेल पर जो उन्होंने मुझे कॉस्ट दिया था वो बेड एंड ब्रेकफास्ट को हाफ बोर्ड में कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट बताया था वो $50 बताया था। बस यहाँ आने के बाद ये लोग $75 बोल रहे थे, बट मैंने बोला मेल जब दिखाया तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि ये तुरंत मान गए, और $50 पर हेड पर नाइट में हमारा जो अपग्रेड है वो हो गया है अगले दो दिन का बेड एंड ब्रेकफास्ट से हाफ बोर्ड में। तो आज तो हम लोग ऐसे भी, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग सैंडविच वगैरह ले आए थे, तो जो वो $50 पर हेड लगने वाला था अगर हम नहीं लाए होते वो सैंडविच, तो $50 × 4 $200 अभी हमारा चला जाता डिनर करने में सिर्फ। तो $200 मतलब कि कम से कम नहीं तो 14,000 या 15,000 रुपये, 15,000 से ज़्यादा रुपये चले जाते। मास्क फ्री जोन है पूरा बट उस रेस्टोरेंट में क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करने आते हैं तो हमें वहाँ पर मास्क मैंडेटरी है, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर ये सारे सनबेड्स लगे हुए हैं। टर्की, ब्रेस्ट, पॉट का ना जाने क्या क्या, जो क्यों नहीं आ सकते, टर्की ब्रेस्ट है ना जाने सुअर का क्या आइटम है, पॉट का, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं अगली बार के लिए। अभी तो मैंने क्रोसांस लाए, सारे बेकरी स्टाफ है, अब मैंने नाम भी भूल गई, लाते टाइम भूल नहीं, पता ही नहीं था, नहीं ये सारा मैं देख रही थी और तो याद है, भूल नहीं पा रही हो। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, धूप अच्छी खासी हो गई है, पानी देखो जैसे जैसे धूप पड़ती जा रही है वैसे वैसे इतने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो पानी में आते जा रहे हैं, देख के यकीन ही नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ से अपने रूम में जा रहे हैं और वहाँ से फिर हम स्नॉर्कलिंग के लिए बात करने जाएंगे कि क्या प्लान है, क्या सीन है। और एक और चीज़, यहाँ से जब आप वापस जाते हो, जैसे इंडिया वापस जाएंगे हम लोग, तो आपको यहाँ से ही 72 आवर्स के अंदर, मतलब जो आप इंडिया पहुँचने वाले हो उससे 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर का सैंपल कलेक्शन वाला RT-PCR रिपोर्ट चाहिए होगा। तो हमें यहाँ से ही अपना RT-PCR कराना पड़ेगा आज ही, क्योंकि अब हम लोग 72 आवर्स वाले उसमें आ चुके हैं अंदर,
तो अगर आज सैंपल देंगे तो हम जब इंडिया पहुँचेंगे तो 72 आवर्स पार नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग इंडिया में अब तो 700-500 रुपये में 300 रुपये में भी अब RT-PCR हो रहा है, तो वैसा सीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे RT-PCR कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर RT-PCR की कॉस्ट है $65 पर हेड। तो 65 हम लोग 4 लोग हैं, तो मतलब बहुत सारा पैसा जो है, मतलब करीब 20,000 रुपये के आसपास लगेगा RT-PCR में। तो वो हम लोग को यहाँ से ही कराना पड़ेगा। यहाँ से जो भी सैंपल्स होते हैं वो माले जाते हैं, माले में हॉस्पिटल में चेक, RT-PCR रिपोर्ट आती है यहाँ पर वापस। तो ये सीन रहने वाला है, तो ये काम भी हमें आज ही करना पड़ेगा। सो वी हैव जस्ट बुक्ड आवर स्नॉर्कलिंग एंड सैंड बैंक सेशन एंड इट इज़ कॉस्टिंग अस लाइक $360 फॉर 4 पीपल। इट इज़ लाइक इट इफ वी डोंट बार्गेन दैट विल बी अराउंड $400 प्लस टैक्सेस, सो इट विल रीच टिल $500 फॉर 4 पर्सन। But after a little bargaining, like very little bargaining, they have agreed to do it for $360, and with the taxes and all, it will cost us around $440 for 4 persons. सब लोग आए। आपको जैसे सारी एक्टिविटी के कॉस्ट तो पता चल ही गए होंगे, बट एक चीज़ आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि यहाँ पर हर एक्टिविटी के साथ जो टैक्स है वो 22% का है, और आप इजीली बार्गेन कर सकते हो हर एक्टिविटी के कॉस्ट पर। और ये लोग $20 to $30 डिस्काउंट इजीली दे देते हैं। तो मेक श्योर अपने बार्गेनिंग स्किल्स यहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। हम लोगों ने अभी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स वाले यहाँ पर आकर ऑफिस में ये फिन्स वगैरह अपने हिसाब से ले लिए हैं, फिन्स लेके जाएंगे, बट फिन्स की ज़रूरत सिर्फ डीप वाटर में पड़ती है अगेंस्ट द करंट जाने के लिए। När morgonen gryr och dimman ligger tät bland bergen, då dansar gruvrynen. Osynlig för blotta ögat, men med påtaglig närvaro, dansar gruvrynen. När natthimlen glittrar och de djupa skogarna tystnat, då dansar gruvrynen. Påtaglig och vacker, iklädd ljusgrå slöja, dansar gruvrun. Fishes are jumping outside. So beautiful. Oh, so many birds. Wow. Wow. Oh my goodness. Wish. Nice. Woo! OMG.